नमस्कार, योगा इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। खिलाड़ियों का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है अगर वो ज़्यादा लंबा खेल खेलना चाहते हैं, और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अगर आप खेलना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है उनका स्वास्थ्य। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आप अच्छे से ज़्यादा आप ग्राउंड में अपना टाइम दे सकते हो और अपने खेल के साथ आप जुड़े रह सकते हो। कैसे रखें हम हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा हेल्दी, अपने आप को फिट, इसके लिए कुछ योग के अभ्यास योगा इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया है। और आज का हमारा प्रोग्राम में जो अभ्यास है वो है हमारे पूरी तरह से पैरों को डेडिकेट। इसके लिए जो खेल खेले जाते हैं पैरों से, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो, आर्चरी और अन्य गेम जो भी हम, जैसे टेनिस हो गया, इन सभी गेम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस अभ्यास को कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। इसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे और एक एक पैर को आहिस्ता आहिस्ता हमारे कंधों का जितना हम खोल लेंगे, ये एक मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ से हम धीरे धीरे एक एक पैर को बाहर की तरफ खोलेंगे, यानी कि हमारा पैर का पंजा बाहर और एड़ी अंदर, टोज आउटसाइड हील इन, इस तरह से। और अब यहाँ जब हो जाएगी स्थिति तो धीरे 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 अपने शरीर को नीचे लेके जाएं और आपके दोनों पैरों की एक स्थिति समान हो जाए, एक समांतर रेखा में उनका जब स्थिति हो जाए तो वहां अपने आप को रोक लें। अब यहां पर आप इस तरह से नमस्कार मुद्रा में भी रुक सकते हैं या दोनों हाथों को ऊपर, और इसमें आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे साइड में जाकर ये, फिर बीच में आएंगे, फिर इसी को आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। आपको इससे स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा और आपका लेग्स का भी एक्सरसाइज, और इसको आगे आके इस तरह से भी करेंगे तो आपका बैक का स्ट्रेच होगा, फिर वापस बीच में। आहिस्ता से दोनों हाथों को घुटनों पर लेके आए और धीरे धीरे वापस खड़े हो जाए। तो आपने देखा कि जब मैं ये आसन कर रहा था तो इस आसन को करते समय मेरा पूरा बॉडी वेट मेरे पैरों पर था और पूरा बॉडी वेट मेरे नीज ले रहे थे। तो इसको करने से हमारे नीज की हेल्थ इंप्रूव होती है, नी इंजरीज हम अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारे नीज के अंदर जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है, साथ ही जो उसके सपोर्टिंग मसल्स है उनको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, हमारे पूरे पैर के अंदर लिगामेंट टेंडन्स है उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी काफ मसल स्ट्रांग होती है, हमारी थाइज यानी कि हमारी हैमस्ट्रिंग और अपर थाई मसल को बहुत मजबूती मिलती है, और हमारा हिप जॉइंट है उसका मोबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टिफनेस खत्म हो जाती है। और जब ये सब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपके जितने भी गेम्स हैं जो आप पैरों से खेलते हैं उनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और करने के लिए करना क्या है हमें, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करें। और कहीं भी आपको कुछ डाउट हो और ज़्यादा सीखना हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे योगा मास्टर के सानिध्य में रहकर इनका हम अभ्यास करें। खिलाड़ियों के लिए हमारा योगा हेल्थ टिप है अवेयरनेस का। खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है कि वो पहले सीखे, लर्न करे, कंटिन्यू उस चीज को लर्न करता रहे, लर्न करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिकल में लगातार प्रैक्टिस 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 रिपीट करे, जो आपने लर्न किया है और प्रैक्टिस किया है उसको फिर जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आपके गेम के अंदर अप्लाई करना है। तो तीन चीजें होता है, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड अप्लाई। हर खिलाड़ी को अपनी डायरी में ये नोट करना चाहिए कि मेरे को इस प्रिंसिपल को फोकस करना है कि मुझे लर्न करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर उसको फाइनली मेरे गेम में अप्लाई करना है। ये हमारा हेल्थ टिप अगर खिलाड़ी ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाएंगे उनके पर्सनली खेल के अंदर।